नमस्कार दुर्गम ओडिशा सहित मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रो। बंडा घाटी रे बंद होइगला काजू मिल, पानी रे पड़िला कोटी कोटी टंका, रोजगार हराइछंती 51 बंडा परिवार। यूनिट आरंभ दिगरे पदक्षेप नियाजौ नथिबारु असंतोष, समस्यार समाधान नहले आंदोलन पई चेतावनी। उपांतरे बाटबणा विकास कणिहा, कदळीपाळ साहिरे सरकारी योजनारु बाद शताधिक धीबर परिवार। आजि जाए गाँवें पहुंचि पारिनि बिजुली और पक्का रास्ता, डिबिरी आलुअरे पाठ पढ़ुछन्ति पिला, पानी आवास स्वास्थ्य सुविधा सबु किछि अपहंच। ग्रामांचलरे फेल मारिछि वसुधा योजना, नळकूप अचल थिबारु परित्यक्त कुआपाणी पिउछन्ति बांकी डंसर पंचायतवासी, तुरंत समस्यार समाधान नहले राजरास्ता को ओह्लाइबाकु लोकंक चेतावनी। एवं कळाहांडी कोकोसरारे अवहेलित कुटुरु गाँ, ना अछि रास्ता ना पानीय जल व्यवस्था, झरणा पाणीरे शोष मेंटाउछन्ति 60 रु अधिक परिवार। सेबडे वर्षा दिने गाँवकु आम्बुलांस आसिपारु नथिबारु भारारे भुआ हेउछन्ति रोगी ओ प्रसूति, केबे पडिब सरकारको नजर। एबे नजर पकाइबा दुर्गम इलाकार किछि खबर उपरे। बंडा घाटी रे बंद होइगला काजू मिल, रोजगार हराइछन्ति 51 बंडा परिवार, सरकारको कोटी कोटी टंका नष्ट। आदिम आदिवासी बंडा जनजाति को उन्नति पाई सरकार कोटी कोटी टंका खर्च करुछन्ति, तथापि जीविका पाई संघर्ष करुछन्ति बंडा। जहार गोटे उदाहरण हैला एठारे स्थापन होइतिबा काजू प्रक्रियाकरण यूनिट बंद हो जाइछि, एहा परे एहा को कार्यक्षम करबा पाई कोनोसी प्रकार पदक्षेप निया जाइनि। देखंतु ए रिपोर्ट। बंडा जनजातिर महिलांकु रोजगारक्षम करबाकु आईटीडीए एवं बंडा उन्नयन संस्था निष्पत्ति नेथिला, तेणु खैरपुट ब्लकर मुंडेगुड़ा काजू प्रक्रियाकरण यूनिट स्थापन करा कोटिए टंका खर्च कर नुआ भित्तिभूमि निर्माण होला। सेहिपरि कोटिए ऊर्ध टंका खर्च कर नुआ मेसीन आनी एठारे स्थापन करागला। लक्ष्य थिला बंडा महिला स्थानीय अंचलरु काजू संग्रह करिवे, प्रक्रियाकरण यूनिट्रु काजू उत्पादन करि बिक्री करिवे। तबे 2016-17 आर्थिक वर्ष रे आरंभ होइतिबा प्रक्रियाकरण यूनिट गोटिए वर्ष चलिबा परे हठात बंद होगला, तेणु 50 रु ऊर्ध परिवार रोजगार हराइले। एबे बंद होइगला असुविधा टिके सेटा शीघ्र टिके करबार अछि, आम सेटा शीघ्र कले आमर लोग सेति काम करि पारबो, न कले आरे कुरी काम करबो, सेटा मनले त आमर लोग काम करि पारबो, दै पैसा पास पाई पारबो, सेमटी सिकी पारबो। जदि न कले बोले आमर बंडा लोग सब मिसि करी सेटा ट्रक कर आजिबो आरे। काजु मिल आज को बहुत वर्ष होगा, 16-17 रे कार्य होता कोटी कोटी टंकार सरकार से किसी लोक आम बंडा लोक से झील पु से कि पैसा रोजगार पाते बर्तमान तो बंद हो जाए, से एबे प्रशासन तार ध्यान देना ता हिसाब से एबे तो किसी पाने इनकम सोर्स नहीं, से घर बसी रोचार आगामी दिन रे जदि से जिनस को जदि प्रशासन नेबे नहीं ताको बंडा जते जनजाति अछि से रास्ता उपरे ओले बिसे माने। एठारे प्रश्न उठुछि आरंभ हेबार गोटिए वर्ष परे कोन एमिती समस्या हैला जे यूनिट बंद होइगला, एहा परे 4 वर्ष हैला यूनिट आरंभ करबा दिगरे तत्परता प्रकाश करा जाउ नै। मालकानगिरि जिल्ला रे काजू किलो पिछा दर 800-900 टंका रहिछि। मालकानगिरि जिल्ला रो काजू अन्य अंचल रु उत्पादित काजू थारु उत्कृष्ट, निश्चित भाव में यहाँ को विगत दिन में आम विभाग अधिकारी मान को जनईलु जेपर भाव में बंद होता तुरंत कार्यक्रम करने लिखित भाव में बंडा समाज तरफ आम तरफ आम पुनर्व विगत दिन में आशा करश्चित भाव कार्यक्रम हो तत्सत आम विभाग अधिकारी
विभागीय मंत्री जे रही एसटीएससी विभाग एवं अन्य सचिव रही लिखित भाव में जनइबू या उपर जमी तुरंत कार्यक्रम हाँपी काजु प्लांटेसन सरकार आमर जो बंडा जनजाति काजु फैक्ट्री गोटे फैक्ट्री गोटे कराला किंतु सेटा को एबे जो बीडीए संस्था अछि सेटा को ठीक भाव में परिचालना करना केउठी समस्या रहिछि ताहार तथ्य संग्रह करी समाधान करबा को दाबी रहिछि। जदि आगामी दिन में एही समस्या रा समाधान करा न जाय बंडा जनजाति राजरास्ता को ओल्हाइबो बोली कड़ा चेतावनी दैछुति। मालकानगिरी चित्रकोंडारु जगन्नाथ दळाईंक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। केबे समाज रा मुख्य स्रोत रे शामिल हेबे आदिम जनजाति लोधा संप्रदाय आज भी अवहेलित अवस्था रे पड़ी रहिछन्ति लोधा माने केबे कामरे आसिबो लोथा उन्नयन संस्था आसंतु देखिबा प्रकृत स्थिति किपरी रे रहुछंती लोधा माने आज भी अवहेलित निष्पेषित उपांतरे बसवास करुथबा लोधा संप्रदायर आदिम जनजाति विकासर पहाच चढ़ी पारिनांती एमाने आमे कहुचु मयूरभंज जिला सुळियापथा ब्लॉक कंटीसाही पंचायत पथरनासा और धानशिला ग्रामवासी कथा एक ग्राम रे 445 लोधा परिवार रो 1400 रु ऊर्ध लोक बसवास करंती देखंतु दारिद्रता रो विकल चित्र विकास रो पाद चिन्ह पहुंचि पारिनी एमानक पाखरे मुंड कुंजिबाकु मिलिनी पक्का घर भंगा ददरा पाल जरिटाणी अति दुर्दिन रे जीवन यापन करुचंती एमाने ग्रामांचल लोकों पीवापी विशुद्ध पा जगे राज्य सरकार कोटि कोटि टंकार योजना करुवा बेले लोकमानन को पाखरे एबे भी पहुंची पार ना यह योजना वसुधा योजन पाइप चके घर को घर पा जोगाई प्रत्येक पंचायत में उच्च क्षमता संपन्न पा टांकी निर्माण करटक जिलार बांकी डमपड़ा ब्लक ढहसर पंचायत विभिन्न वार्ड में लोकों मिलूनी विशुद्ध पीवा पा उपकूलरे उपांत दुख 10,000 रु ऊर्ध जनसंख्या विशिष्ट एक पंचायत ढहसर ग्राम से गोटे नलकूपुर पा पीवा नेतुच्च हलदिया पा अं गोटे नलकूप खराब हो पड़ता बेले मरामति कार्य करने ब्लक कर्मचारी सठिक समय आसुना से लोक बाध्य गाँव में एक खोला परित्यक्त कूर पा पीवा बाध्य फल अनेक लोक रोगाक्रांत होभग हो ढहसरा आम ये पानी कहल पा भंगा कू गोटे अच्छी आ सब देखिले आम तीन वर्ष है कि दी वर्ष है ये पा कि सुविधा पाऊन आते कौन जाइ सरपंच को कही विडुआ को कही पा जाइ भी जनईचु आम गाँ ये वार्ड मेम्बर सरपंच समस्त को जनई सारी जनईला कहीं भी किसी यार गोटे प्रतिकार करूना आम कपड़ा पकईक छाणी खाऊ जिते समय मिलूचे कूर आना है यार गले गोटे किलोमीटर जल आईले चलु ना अति बाध्य जीव रोड जगह कौन राज्य सरकार वसुधा योजन उच्च क्षमता संपन्न पानी टैंकी निर्माण करने पानी जल जोगाण विभाग जरिया कोटि कोटि टंका व्यय करने निर्देश देता बेले ढहसर गाँव में कहीं केजाणि हो पारुनी पानी टैंकीर व्यवस्था आगामी दिन में गाँवर पानी समस्या दूरीकरण क्षेत्र में ब्लॉक अधिकारी किंबा जनप्रतिनिधि ठोस पदक्षेप नेवा को साधारण दाबी होइछि बुढ़ा बुढ़ी जो चली पारुनु आ कौन करू नहले नक जब शुणुनि जो सब आड़े जा आईलुणु नौटिक जो गोटे नलकू खराब हो गोटाए नलकूर घंटाए देढ़ घंटा ठिया हेले गोटे नौचु आउ ना नहीं पाने साइज जाक तो समेत आम जड़े कौन नबु रेगुलर बेसीस आम आसेसमेंट करुचु एवं तुरंत जो पाइप अकामी होती कि ट्यूबवेल डिसफंक्शनल अच्छी जोटा आम 24x7 गोटे ग्रीभांस पोर्टाल अच्छी तो ब्लॉक रे तो ता थ्रू रे आमे जानिकी समस्त एसीएम मानंकु आरडब्ल्यूएसएस जेंकर तत्वावधान रे ताको तुरंत मरामती करियाकु आमे पदक्षेप मध्ये नेइछु ब्लॉक मंडल उन्नयन अधिकारी होंतु कि जिला प्रशासन एई गांर लोकंक पई तुरंत उच्च पानी टांकी रो निर्माण कराई घर घर को पीवा पानी जोगाई न देले मां माने गोरा बाल्टी धरी रास्ता को ओलाइबे बोली चेतावनी देइछंती वर्ष पर वर्ष बीती जाइथिले भी एबे भी माँ मानकर जाइनी जल कष्ट एने बारंबार ढहसर पंचायत माँ मैने ब्लक विडुओं कथा कहतु जेई कथा कहतु बा रास्ता रोक कथा कहतु नजर को आनले सरकार नजर को आनले यार समाधान होनी त
ତେବେ କେବେ ସମାଧାନ ହେବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଏ ଢଣସର ପଞ୍ଚାୟତର ଏଇ ମାଆମାନେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ଢଣସର ପଞ୍ଚାୟତରୁ କାଳୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଦୁର୍ଗମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଖବର ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ରଜ କେବଳ ମଉଜର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ନାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ସଚେତିତ କରାଇ ଦେଉଥିବାର ଏକ ଗଣପର୍ବ। ଏ ପର୍ବରେ ମା' ବସୁମତୀଙ୍କ ରଜସ୍ୱଳା କଥାକୁ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବେ କୁହାଯାଇ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ବିଧି ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ବ୍ୟାପକ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଅର୍ଗସ ପକ୍ଷରୁ ମାନସୀ ନାମରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀର ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ସଂଗଠନ ଓ ବହୁ କର୍ମଜୀବୀ, ଗୃହିଣୀ ଓ ଛାତ୍ରୀ। ରଜରେ ଉଠିଛି ରଜପତୀ କଥା, ନାରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ଏ ପର୍ବ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ। ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ମାନସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ଦିଲ୍ଲୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ତଥା ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କବିତା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ରଜ କେବଳ ଏକ ମଉଜର ପର୍ବ ନୁହେଁ, ନାରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିବାର ଏକ ଗଣପର୍ବ। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏହି ଶାରୀରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନାରୀ ସଚେତନ ରହିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସଚେତନତା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କବିତା କହିଥିଲେ। ରଜ ଖାଲି ଖାଇ ପିଇ ମସ୍ତି କରିବାର ନୁହେଁ, ରଜର ଗୋଟେ କିଛି ମିନିଂ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲୁ। ରଜ ମାନେ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ ସେତେବେଳେ ରଜସ୍ୱଳ ହୋଇଥାଏ। ରଜସ୍ୱଳ ମାନେ ଆମେ ଆଜି ତାକୁ କହୁଛୁ ପିରିୟଡ଼ ହୋଇଗଲା, ଯେଉଁ ଟିନେଜର ଝିଅମାନଙ୍କର 13 ଇୟର୍ସ 14 ଇୟର୍ସରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ସେଇଟାକୁ ଲୋକମାନେ ତ ଆଉ ଲାଜରେ ନ କହିପାରି ସେଇଟା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା, ନାରୀମାନେ 3 ଦିନ ଯାକ କାଟିବେନି, ବାଟିବେନି, ରୋଷେଇ କରିବେନି, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଚାଲିବେନି, ଚପଲ ପିନ୍ଧି ଚାଲିବେ, ରେଷ୍ଟ କରିବେ, ସଜବାଜ ହେବେ, ବୁଲିବେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷମାନେ ଘରେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଯଦି ନିଜ ନିଜ ଘରେ ରହି ନିଜ ଭଉଣୀ, ନିଜ ଝିଅ, ନିଜ ମା, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଯଦି ସେମାନେ ବୁଝନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ 3-4 ଦିନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହାଇଜେନିକ୍ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ସପୋର୍ଟ ରୁହନ୍ତା, ତାହେଲେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ସଚେତନ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଆଉ ଏଇଟା କିଛି ଲାଜ କଥା ନାହିଁ, ଆମ ବେଳେ ଲାଜ ଥିଲା। ପର୍ବର ଉତ୍ସାହ ସହିତ ନୃତ୍ୟାଭିନୟ ଏକାଡେମୀ ପରିସରରେ ସମବେତ ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା। ଅର୍ଗସର ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ଅର୍ଗସର ମାନସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଅର୍ଗସ ଋତୁସ୍ରାବ ପରିଚ୍ଛନ୍ନତାକୁ ନେଇ ଲଗାତାର ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଦିଗରେ ମେଟ୍ରୋର ମହିଳାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କ'ଣ ରହିଛି ପଚାରିବା ପରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମେଟ୍ରୋରେ ଆମ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ଶୈଳୀ ନିଆରା। ମୋ ସମୟରେ ପିରିୟଡ଼କୁ ନେଇ ମୋ ମାମା ଓ ବାବା ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ମୋତେ ସୂଚାଇ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଘରେ ବାବା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଖୋଲା ଆଲୋଚନା କରିପାରୁଛି। ମୋତେ ତ ମୋ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନଥିଲା, କାହିଁକି ମୋ ମାମା ପାପା ସବୁ ଆଗରୁ ମୋତେ କହିକି ରଖିଥିଲେ। ମୋତେ କେବେ କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇନି, ମୁଁ ବି ଖୋଲା କରିକି ମାମା ପାପା 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇପାରେ। ଆଉ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ମୁଁ ବାସ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ କ'ଣ, ଏବେ ବି ସବୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସେଇ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆମକୁ ମେଜର୍ଲି ଆମର ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଥା, ବହୁତ ନିଜର ସେଲ୍ଫ କେୟାର୍ ନେବା କଥା, ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେବା କଥା ନୁହଁ, କାହିଁକି ସେଇ ପିରିୟଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନେଲେ ଫେରେ ହରମୋନାଲ୍ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେବ, ଫେରେ ସେଇଟା ବି ଫେରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ କରିବ। ଆମକୁ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ଖାଇବା କଥା, ସାନିଟ୍ରି ପ୍ୟାଡ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକମାନେ, କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ ସାନିଟ୍ରି ପ୍ୟାଡ୍ସ ବି ଆମକୁ ରେଗୁଲାରଲି ଗୋଟେ ପିରିୟଡ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା, ନହେଲେ ସେଇଟା ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ସ ହେଇପାରିବ। ରଜରେ ପିଠାପଣା ହୁଏ, ଦୋଳି ଖେଳ ହୁଏ, ଲୁଡ଼ୁ, ତାସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳରେ ଶରୀର ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ। ଠିକ୍ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଜଣେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ରଜପତି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଅସ୍ମିତା ଦେବାଲ। ନାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅର୍ଗସ ଅଭିଯାନ ଭାବେ ନେଇଥିବାରୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ଏ ଦିଗରେ ପରିବାର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା କହିଥିଲେ। ଗୃହିଣୀ ଅତସୀ ଦାସ
दीपाली दास संघमित्रा अमृता प्रमुख ग्रामीण महिला और पुरुष को अधिक सचेतन करिवार आवश्यकता थिवा दर्शाइबा सहित कम मूल्य पैड जोगाण सहायता प्रसंग उठाई गायनोकोलोजिस्ट हेबा द्वारा मोर मु सबुबेले भाबे स्त्री लोक मानकर खाली स्वास्थ्य नुहे स्वाभिमान रक्षा करिवा भी आमर कर्तव्य बिकज स्वाभिमान सहित सेल्फ रेस्पेक्ट और स्वाभिमान हेले जाई स्वास्थ्य आसे बिकज जणे जदि निजर प्रोब्लेम कही पारिलानी उपस्थापित करि पारिलानी प्रोब्लेम रो समाधान हेबार चांस आउरी कमी जाए स्वास्थ्य हो मेन्स्ट्रुएसन हो सबु विषय रे स्त्री लोक निजर स्वास्थ्य विषय रे अवेयर हेबाटा आउ ताकू खुला मन रे कही पारिबा सो सेटा समाज रो रेस्पोंसिबिलिटी जे आमे तांको सेत कि सुजोग देबा निजर प्रोब्लेम कहीपरिवे आम जब छोटे थिलु सेते माँ मैंने आमको धीरे से कहते गोटे रूम रे रहिबार जे आमे आम छुआ मानको आगरु ही कहीदे पिला माने ए ए प्रॉब्लम आसीबो तुमको तुम्हें स्कूल रे थिबो टीचर कहू कि न कहू आज माँ हिसाब से आम आगरु ही सब जिनस अवेयरनेस कर देजु तेणु बहुत डिफरेन्स आम समय मिस करूँ आम माँ मैंने से कहवाई भी लाज करुले जार माँ नहांती मुझे कह कि बापा अच्छा तो बापा हो कि दादा हो कि जी हो से माने ताकु सही भलिया करिबा दरकार कि निज झियो को आमे सही भलिया हब्बा टाइम पूर्वरु आमे बुझे देबा दरकार कि एमती हब्बार अछि कि केतेबेले तुम्हें बाहर थिबो कि स्कूल ले थिबो कि कोठी थिबो जेमती पिला को सही टाइम रे किछ प्रॉब्लम होबनी स्कूल ले थिला बेले से टीचर संगे कथा कहि परिबो से जिनसटा शेयर कर परिबो घरे आसी घरे जी भी जेन्ट्स पर्सन था से संगे सेयार करपरिया बुझेवा दरकार आमको जे नारी इज ए सिंबल ऑफ रिप्रोडक्शन द सिंबल ऑफ क्रिएटिविटी देयरफॉर वी शुड रेस्पेक्ट हर तो जमी ये रज पर्व आमे पृथ्वी माता राजशाल रजस्वला हूँ तो तेणुक आम सम्मान दू आम खाली पादर मटी उपर चलूना कौन सी चाष कार्य हल लंगल कौन सी कम कराए ना ओल्टा पूजा कराए से ही नारी मैंने बसुमती आम जीभली भाव रज पाड़ ठीक सेपरी ऋतुवती नारी आमर जत्न दायित्व और साहचर्य ए दिगरे आनीपारिबो उत्साहप्रद परिवर्तन दिल्ली कैमरा पर्सन आदित्य पंडा सहित गगन विश्वाल रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय सरी दुर्गम ओडिशा को ये रखुचु मत विदाय दिंतु नमस्कार।